आगे में आप सभी को फिलहाल देखने को मिल रहा है कि अभी बार बार कोशिश कर रहा है कि वो प्रज्ञा के मन से वो बात निकलवा सके जो बात प्रज्ञा कहना भी चाहती है पर वो कह भी नहीं पा रही है। इसका सेगमेंट आउट हो चुका है जिसमें दिखाया जा रहा है कि प्रज्ञा अपने प्यार के बारे में अभी से शेयर कर रही है और कह रही है कि मैं भी आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना आप मुझसे प्यार करते हैं और हम दोनों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बार बार ये बताने की। पर आपको बता दें फैंस, ये आपके लिए बुरी खबर है क्योंकि ये एक सपना है जो सपना इन दोनों का ही है। इस सपने के बाद ये दोनों अपने अपने घर चले जाएंगे जहां शादी के मंडप का नज़ारा प्राची और प्रज्ञा के दिल को झिंझोड़ कर रख देगा क्योंकि रिया और मीरा दोनों दुल्हन बनी होगी और प्राची अपने आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और का होता हुआ देखेगी, तो वही हाल प्रज्ञा के साथ भी होने वाला है। वेल, ये ड्रामा आगे कितना और बढ़ेगा और कब ये सारी चीज़ें ठीक होगी और कौन इन सब को ठीक करने वाला है, आगे के अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।